नमस्ते इंडिया, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल कैट कोड। आज की स्टूडियो में बात करने वाला है टी के क्लास के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बटन चेक बटन एंट्री फ्रेम लेवल फ्रेम इन सब के बारे में बात कर चुके हैं, इन सब को अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो हम बात करने वाले हैं टी के क्लास के बारे में। तो वैसे टी के होती क्या है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट है टी के बेसिकली स्टैंड फॉर थीम टिकिंटर। जो टी का जो फुल फॉर्म होता है वो थीम टिकिंटर होता है बेसिकली। जो ये जो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है लाइक CSS इट इज़ यूज टू स्टाइल एंड HTML एलिमेंट वी यूज TTK एंड टिकिंटर। गाइस अगर आप HTML या CSS को जानते होगे तो बेसिकली CSS होती क्या है, CSS लैंग्वेज का हम यूज करते हैं जो HTML में जितना भी हम फॉर्म पेज बनाते हैं उसको सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए, ग्राफिक्स अच्छी तरह देने के लिए। तो उसी तरह TTK टिकिंटर को सजाने के लिए यूज होता है। TTK में जितने भी विजिट्स हैं वो प्री डिफाइंड ग्राफिक्स के साथ आते हैं, उन्हें हम कन्फिगर नहीं कर सकते। तो गाइस यहाँ पर लिखा है TTK comes with 18 widgets, 12 of which already exists in tkinter। यानी जितने भी अभी हमने tkinter की मदद से समझे थे बटन चेक बटन एंट्री फ्रेम वो सब हम TTK की मदद से भी समझते हैं। और जो TTK क्लास है वो उनके ग्राफिक्स को और बढ़िया से हमें रिप्रेजेंट करता है। ओके गाइस, तो जो TTK 18 widgets होते हैं TTK क्लास के अंदर, जिसमें से 12 तो वैसे ही हैं जैसे आपके tkinter में होते हैं। तो उन 12 में से ये हैं बटन चेक बटन एंट्री फ्रेम लेवल फ्रेम मेनू बटन पेंट विंडो रेडियो बटन स्केल स्क्रोल बार एंड स्पिन बॉक्स। ये तो 12 के 12 हम किंटर नॉर्मल में भी बना सकते हैं लेकिन TTK में भी ये हैं। और जो एक्स्ट्रा जो 6 विजिट्स हैं वो ये हैं कॉम्बो बॉक्स नोटबुक प्रोग्रेस बार सेपरेटर साइज ग्रिप और ट्रीव्यू। ये जो 6 हैं ये TTK क्लास में नए आए हैं जो किंटर में नहीं हैं। ओके गाइस, और जो किंटर के जो विजिट्स हैं यानी जो किंटर की मदद से जो हमने बटन बनाया था, याद है हमने एक्टिव फोरग्राउंड या एक्टिव बैकग्राउंड या बैकग्राउंड हमने चेंज किया था। ओके गाइस, लेकिन TTK क्लास में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर एक्टिव फोरग्राउंड बैकग्राउंड फोरग्राउंड वहाँ पर हम कुछ भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि TTK जो मॉडर्न ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है। ओके गाइस, मॉडर्न ग्राफिक्स मतलब जितने भी ग्राफिक्स हैं उसमें वो प्री डिफाइन होती हैं, हम उनको कन्फिगर अपने आप से नहीं कर सकते। अगर हमें कन्फिगर करना है तो हमें किंटर के जो बेसिक हैं 12 के 12 उन्हें यूज करना होगा। लेकिन गाइस अभी मॉडर्न में ये आया है TTK क्लास, तो अभी हम इस वीडियो के बाद ये जो जितने भी हमने समझे थे बटन चेक बटन एंट्री इनको हम TTK क्लास के मदद से भी बनाना सीखेंगे। तो गाइस जितने भी आपको TTK क्लास के जो बटन स्केल रेडियो बटन ये सब TTK का मैं प्रेफर करूँगा आप TTK क्लास का यूज करें। ओके गाइस, तो हमने लास्ट वीडियो में बटन समझ लिया है, चेक बटन समझ लिया है, एंट्री समझ लिया, फ्रेम लेवल और लेवल फ्रेम समझ लिया है। और बाकी के ये जो जितने भी बच गए हैं रेडियो बटन स्केल स्क्रोल वार स्पिन बॉक्स ये सब हम आप TTK क्लास की मदद से ही समझेंगे। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि TTK क्लास को इम्पोर्ट कैसे करते हैं किंटर में। किंटर एक मॉड्यूल है, उसकी एक क्लास होती है ये TTK। तो इसको इंपोर्ट करते हैं तो दो तरीके हैं, जैसे कि हम किंटर को इंपोर्ट करते थे ना, इंपोर्ट किंटर एज TK या फिर फ्रॉम किंटर इंपोर्ट एवरीथिंग। यहाँ पर हमारी TTK क्लास को इंपोर्ट करने के भी दो तरीके हैं। पहला ऐसा तरीका, यहाँ पर सिंपल लिखना होगा हमें इंपोर्ट तो कर रहे हैं TTK को लेकिन कहाँ से कर रहे हैं, किंटर मॉड्यूल में से। तो जो पहला तरीका है उसे लेकिन इंपोर्ट करने का वो है From किंटर import TTK। अब आप जितने भी रेडियो बटन अगर आपको मान लो बनाना हो तो आपको TTK.RadioButton लिखना होगा। ओके गाइस, और दूसरा जो तरीका है वो ये है कि From TKinter.TTK यानी module.के बाद क्लास import everything। अब आपको कोई भी डॉट वॉट लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे अपने विजिट्स का नेम लिखें और बनाएं। तो गाइस आई होप आपको TTK और किंटर मॉड्यूल का डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। तो ये उनका डिफरेंस है। और गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं कि TTK के मदद से हम रेडियो बटन स्केल स्क्रोल बार या फिर अपने बटन चेक बटन को कैसे बनाते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और हमारी अगर प्लेलिस्ट से अभी आप नहीं जुड़े हो तो गाइस जरूर जुड़ो, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।